जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन का पार्ट फोर लेके आया हूं। एक्सरसाइज 1.4 है, आप चिंता नहीं करेंगे, नई बुक से हटा दिया गया है, लेकिन जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे, मैग्निफिकेशन ग्लास है क्या इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोग हाथ दिखाते हैं, पंडित जी लोग क्या करते हैं, मैग्निफाइड ग्लासेस पढ़ते हैं, वो पढ़ना सिखाएंगे। तो यहां विजुलाइजेशन आपको करना सिखाना है मुझे, आइए विजुलाइज करना सिखाना है। तो यहां पर दो ढंग से तुम्हारे पास, पहले तो यह है कि अगर या 2/3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, यानी 0.6666, या 0.66, यहां पर तुम्हारे पास यह जान के मोटी लिखी गई है, क्योंकि इसी को हमको विजुलाइज करना है। एक तरफ तुम्हारे पास जो है मैग्निफाइड ग्लास है और दूसरे तरफ तुम्हारा लॉजिक है। अगर लॉजिक पर भरोसा करते हो तो तुमको मैग्निफाइड ग्लास नहीं लेना पड़ेगा, और लॉजिक तुम्हारे पास नहीं है तो मैग्निफाइड ग्लास इसीलिए मोटी लिखी गई है। मोटा लिखने के पीछे रहस्य है, मतलब अगर ये नंबर लाइन पर करें तो यहां ये 0 है, यहां ये 1 है, यहां ये 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, और 2/3 को दिखाना है, मतलब रेशनल नंबर को दिखाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए कि यह जो है पहले किसके किसके बीच में है। तो 0 से बड़ा है 2/3 और 1 से छोटा है, यानी यहां पर एक्वीट एंगल बनाओगे, और सबसे आसान एक्वीट एंगल 60 डिग्री का होता है। यहां पर भी एक्वीट एंगल बनाओगे और सबसे आसान 60 डिग्री का होता है। अब देखो यहां पर पिजन होल थ्योरम लगाओगे, यहां ये 3 भाग में बांटना है, इसको 2 भाग में बांटोगे, यहां पर भी 2 भाग में बांटोगे, और तुम्हें दिखाना क्या है, 2/3, 2/3 यह दिखाना है। तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, यह एक्यूरेट तुम्हारा 2/3 है। हम समझते हैं कि समझ में आ गया, यह मोटा क्यों लिखे थे। एक मेथड से और कर सकते हो, अगर यहां पर यह 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहां पर आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, बोलिए, और आप चाहते हैं कि इसको हम 3 भाग में काटें, आप काट दीजिए 1, 2, 3, इसको यहां मिला दीजिए। यहां पर जितनी बड़ी एंगल बनी है वह सेम एंगल यहां बनाएं, यानी पैरेलल, और ये वैल्यू 2/3 हो जाएगा। हम समझते हैं कि फर्स्ट मेथड लाइन सेगमेंट से, सेकेंड आपको पैरेलल करके रेशियो लेकर के बन जाएगा। लेकिन कहोगे सर मेरे पास स्केल है, स्केल से कैसे बनाओगे,
अगर स्केल की बात करें तो स्केल से कैसे बनाओगे, आओ देखते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे छोटा से 2/3। अरे वहां मोटा से क्यों लिखे थे, कभी सोचा? मैग्नीफाइड ग्लास मेरे पास नहीं था, अब मेरे पास मैग्नीफाइड ग्लास हो गया। अब इसको तुम 0.6666। तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि 0.6 है कहां, नंबर लाइन स्केल पर होता कैसा है। यहां पर यह पहले से तुम्हारा स्केल था 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। यहां 0.6 होगा कहां, तो 0 और 1 के बीच में 10 भाग में बांटना होगा। दूसरे पेन से हम बांट दें, यहां 1, यहां 2, 3, 4, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं तो विजुलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यह वैल्यू 0.1 है, यह वैल्यू 0.2 है और यहां 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 0.9। आपकी वैल्यू कौन दिखाना है, यह वैल्यू 0.6 से बड़ी है कौन, किससे छोटी है 0.7 से। यानी यहां पर 0.6 पे हम यहां पर ले लेंगे स्केल को और 0.7 को। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीफाइड गिलास इनके लाइए और ये पकड़ने वाला हो गया। बोलिए, ये मैग्नीफाइड गिलास को लाएंगे तो यहां पर ये 0.6 और यहां 0.7, या 6 दिखेगा या 7 दिखेगा। अब इसकी पुनः बंटवारा होगी कितने भागों में, 10। बोलो यह सुनो, अब बंटवारा के लिए पेन का चेंजिंग, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पता ही वैल्यू क्या होगा, 0.61। यह वैल्यू क्या होगा, 0.62। इसी ढंग से यह वैल्यू 0.69 होगा। आपको 0.66 ढूंढना है, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66 और यहां पर 0.67। अब यहां पर लगावेंगे मैग्नीफाइड ग्लास। ये लगा दिया ग्लास, जैसे ही ग्लास लगाएंगे ये बढ़ जाएगा, यहां हो जाएगा ये 0.66 और यहां हो जाएगा 0.67। अब ये विजुलाइज करके ऐसे आ गया। फिर इसको हम 10 भाग में बांटेंगे, चूंकि 10 टाइम्स फिर बांटा, ये थोड़ा ऐसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
चूंकि हमको ये चार अंक पे दिखाना है, यानी यहां की वैल्यू क्या होगा सब लोगों को पता हो गया, 0.661, और यहां की वैल्यू क्या होगा 0.669। यहां 8, यहां 7, ये वैल्यू को हमको इंडिकेट करना है, तो 0.667 और 0. यहां 666, यानी मॉडिफाई ग्लास यहां लगेगा, लगेगा मैग्निफिकेशन। अब फिर ये लंबा हो जाएगा और यहां हो जाएगा 0.666 और यहां हो जाएगा 0.667 और ये मैग्निफाइड करके ऐसे हो गई, बोलो यस या नो। अब फिर इसको 10 भाग में बांटोगे, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समझ में आया? तो मोटा लिखने के पीछे क्या रहस्य था समझ में आया? एक तुमको विजुलाइज करके करना है, दूसरा बिना विजुलाइज करके करना है। तो तुम्हारे पास दो मुद्दे हैं, अभी एक और क्वेश्चन को हम लोग करके देखेंगे। एनसीईआरटी भाई साहब तो हटा दिए हैं, लेकिन वो मैथ्स में फिर रखे क्या है? अगर ये चीज हटा दिए हैं तो फिर रेशनल नंबर को दिखाने का उनकी तरीका क्या है? अब आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। 5/3, यानी हम 5/3 को 1/2/3 लिख सकते हैं, यानी पहले ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको सीखना है तो ये नंबर लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहां 1 के बाद है ना और 2 के पहले है, तो फर्स्ट मेथड से लाइन सेगमेंट मेथड से सीखोगे, यहां पर कितनी की एंगल बनेगा जल्दी बताओ? 60 डिग्री की, क्योंकि सबसे आसान होता है 60 डिग्री का एंगल बनाना। यहां पर भी 60 डिग्री का एंगल बना, यहां देखो कितना बार करना है, 3 बार, तो इसको 2 बार काट दो, 1, 2, यहां पर भी 1, 2। अब तुम्हारा हो गया ए वैल्यू 5/2/3 है। अगर स्टूडेंट सेकेंड मेथड से जानना चाहता है तो इसको बना सकता है, क्योंकि आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल को एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस यह जो बातें आप देख रहे हैं, तो यहां पर आप 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए, इसको 3 भाग में काटना है काट दीजिए, 1, 2, 3 मिल गया। यह जितनी बड़ी एंगल है यहां से उतनी बड़ी एंगल बनाएंगे, या सेट स्क्वायर से भी पैरेलल खींच सकते हैं, यानी ये वैल्यू 5/3 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मेरे पास मैग्निफाइड ग्लास है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर सकते हैं? अरे बिल्कुल करिए ना, इसीलिए तो मैं चैप्टर बालजोरी पढ़ाया हूं, एनसीईआरटी हटा दिया, सीबीएसई हटा दिया, अदर स्टेट बोर्ड हटा दिया, उनके हटाने से क्या होगा? आप रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं जानेंगे तो आपको यहां पर प्रॉब्लम है। उनको हटाने से आप गौर से देखें क्या मिसलेनियस से हटाया है? नहीं हटाया जी, तो कैसे हटा सकते हैं? यहां से हटा दिए ना, फड़ गए अंदर आत्मा से, क्या आपने हटाया है? अब हम देखेंगे 1.6666 है, यानी पहला इसके कंसेप्ट दिमाग में हम लोग को जाएगा कि ये 1.6 से बड़ी है, छोटी किससे है?
1.7 से, बोलो यस या नो, ये आएगा यानी यह नंबर लाइन पे जाएगा, यहां ये जीरो है, यहां ये वन है, यहां ये टू है, यहां थ्री है, यहां फोर है। वन और टू के बीच में ही होगा, इसको दस भाग में बांटेंगे, कलर को चेंज कर दीजिए। अब दस भाग में बांटेंगे, पॉइंट वन, पॉइंट टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और टू को यहां कर देते हैं नाइन। अब 1.6 कहां पर है, यानी सबसे पहले यहां पर हम दिखा देता हूं, ये एक है, ये दो है, और इसको पहले 10 भाग में बांटा आपने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये वाला कहलाया 1.1, यह कहलाया 1.9, और आपको दिखाना है 1.6, थ्री टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1.6 ये 1.7, यहां मैग्नीफाइड ग्लास रखा तो ये ऐसे और ऐसे कर दिया, यहां आ गया 1.6, यहां आ गया 1.7, अभी मैग्नीफाइड हो गया, फिर इसको 10 भाग में बांटा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यानी यहां जो तुम्हारे पास हुआ 1.61 हो गया, और यहां 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, और यहां 1.67, यानी इसके बीच में फिर मैग्निफाइड किया ये, और यहां से ये 1.66 और 1.67, अब ये वाला 10 भाग में किया, अब यहां पर यह वैल्यू 1.661 और यहां 1.669 और 6 2 3 4 5 6, ये 1.666, 1.667, अब फिर यहां मैग्निफाइड किया, ये आ गया। अब हम समझते हैं कि विजुलाइज क्यों पढ़ना जरूरी है, समझ में आ गया सब लोगों को, बोलो। यानी पहले इसको हम लोग डेसिमल के एक अंक के पास गए, फिर हमने दो अंक के पास देखा, फिर हमने तीन अंक, फिर हमने चार अंक, फिर पांच अंक, फिर छह अंक, ऐसे करके हमने देखा। तो आपको कैसा लगा विजुलाइज, ये सोचिए और सोचिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए कि एनसीईआरटी सिलेबस क्यों हटाया। जब रेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है विद्यार्थी को। चलिए और देखते हैं, अब आप लोग बताइए कि क्या 2.3 रेकरिंग को आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते, पहले इसको तो 23 बटे 2 और 9, 21 बटे 9 कट गए, 7 बटे 3, यानी आप 3 होल 2 होल 1/3 लिख सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल मेथड से करेंगे।
यानी फर्स्ट मेथड के अनुसार यहां पर 60 डिग्री के एंगल बनेगी, यहां 60 डिग्री के एंगल बनेगी और इसको तीन भाग में बांटना है, दो बार में ही कटेगा। और ये जो वैल्यू आया यह 2.3 पर रिकरिंग है। इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा, अब इसके बराबर एंगल, इसके बराबर एंगल, यह जो वैल्यू बना यह 2.3 पर रिकरिंग या 7/3। अगर इसको हम विजुलाइज करके दिखाना होगा तो आप 2.333 को दिखाना है, यानी यह नंबर लाइन पे जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री। तो सबसे पहले तो यह 2.3 से बड़ी होगी, छोटी किससे होगी? 2.4 से। यानी यहां पर बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा कैसे करेंगे? यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। 2.3 ये है और ये वाला वैल्यू 2.4 है। यहां पर मैग्नीफाइड ग्लास लगा देंगे, अभी मैग्नीफाइड कर गए, ये 2.3 हो गई, ये 2.4 हो गई। इसको फिर 10 भाग में बांटेंगे, यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। ये 2.33 हुआ और यहां 2.34 हुआ। यहां पर फिर मैग्नीफाइड ग्लास लगी और ये 2.33, ये 2.3। फिर इसको 10 भाग में बांटेंगे, यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। ये 2.34, ये 3.33 और यहां 2.334। अब फिर इसकी मैग्नीफाइड ग्लास लगेगी, ये आपका क्रिया होते चला जाएगा। हम समझते हैं कि सभी स्टूडेंट को ये करने आ गया कि मैग्नीफाइड क्यों करना है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक घड़ी नहीं बना, अभी बजेगा, बजेगा घड़ी, यानी ये विजुलाइज करने आ गया। यानी रेशनल नंबर को हमने तीन मेथड से सिखाया, एक लाइन सेगमेंट मेथड, दूसरा आपका रेशियो से और तीसरा सिखाया विजुलाइज करके। तो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वीडियो का समय आ चुका है और आ गया, यानी आप हमारे साथ 25 मिनट बिता चुके हैं, 5 मिनट अभी और बिताना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट का आपके साथ लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहां देखिए कहता है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यानी पहला तो मेथड बताए हैं उससे नहीं बनाना है,
यानी आप इसको देख सकते हो कि ये 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है। ये देखा कि नहीं देखा भाव? सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। यहां पर ये नंबर लाइन पर ले जाएगी, यहां जीरो। आप लोगों को पता होना चाहिए एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस कि अगर हम बात करें तो मकसद उसका एक ही है, गांव गांव तक शिक्षा को पहुंचाना, वो भी कम से कम पैसा में और राम जी के नीति के अनुसार। मतलब अगर जो कुछ पैसा दे सकता है वो देगा और जो पैसा नहीं दे सकता है वो भी पड़ेगा। क्योंकि राम जी का नीति था कि जो लगान दे सकता है उसे लगान लो, जो लगान नहीं दे सकता है उसे मत लो। यानी यहां जीरो, यहां वन, यहां टू, यहां थ्री और यहां फोर। मामला तो थ्री और फोर के ही बीच में है। अब बताओ इसको यहां से यहां तक के भाग में बांटना पड़ेगा, जल्दी बताओ, दस भाग में। अब तुम्हें 3.7 के पास जाना है, ये 3.1 है, ये 3.9 है, यानी ये 3.8 है और ये वाला 3.7 है। तो यहां क्या लगेगा जल्दी बताओ? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगेगा। ये मैग्निफाइड करेगा तो ये ऐसे कर देगा ना, तो यहां पर ये 3.7 हो जाएगा और यहां 3.8। अब ये आ गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ, बोलो। दस भाग में बांटना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और 3.7 वाला वैल्यू हो जाएगा और ये वाला वैल्यू 3.79। लेकिन तेरे को लाना कितना पड़ेगा, यानी 3.76 से भारी होगी कौन 3.77 से छोटी होगी, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला वैल्यू 3.77 और ये वाला वैल्यू 3.7। यहां पर फिर मैग्निफाइड लगेगा, ये फिर हो जाएगा, तो यहां पर 3.76 सॉरी यहां पर होगा और यहां 3.77। अब इसको फिर बांटना पड़ेगा ना, बोलो। तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले को कहेंगे 3.761, इसको कहेंगे 3.762, ये 3, 4, 5 ये मिल गया कि नहीं? यही है, यही है 3.765। बोलो यस है ना। अगला प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ता हूं, ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या 4.26 कितना तक करना है, 4 प्लेस तक, 3826 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में देखिए चल रहा होगा कि पहले सर 4 से बड़ा होगा और 5 से, अगला में क्या हो जाएगा 4.2 से बड़ा होगा, 4.3
थ्री से छोटा, अगला क्या हो जाएगा 4.326 से बड़ा होगा, अगला क्या होगा, चूंकि हमारा मकसद आपको 100% सिखाने का, चूंकि आप सीखेंगे आप पर हम डिपेंड करते हैं। अगला तो मिल ही जाएगा ना, 4.2626 मिल जाएगा, बोलो तो मिल जाएगा, लेकिन आप इसको भी लाइक कर लीजिएगा, तब तक बने रहें।